नमस्कार, आज मैं आपको इलाहाबाद के एक फोटोग्राफर की तस्वीरें दिखाऊंगा, उनके कमेंट भी सुनाऊंगा। उससे पहले मेरा कुछ कहना है, वो आपके सामने रखता हूं। फोटोग्राफर तस्वीरें जब खींचता है तो जो ओरिजिनल उसका फ्रेम होता है वो देखने में ज्यादा सुकून लगता है, सुकून देती है तस्वीरें। लेकिन जब उसकी क्रॉपिंग कर दी जाए और कंपोजिशन से छेड़छाड़ कर दी जाए, यानी कि उसको रिकम्पोज कर दिया जाए क्रॉपिंग करके, तो उतनी बात नहीं कह पाती। ये मेरा अपना अनुभव कहता है। आप स्वतंत्र हैं, आप इस पर कमेंट कर सकते हैं कि अगर इससे कोई डिफर आपकी सोच हो तो आप जरूर हमारे सामने रखें। हमारे इस चैनल के कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझे भी बता सकते हैं, हमारे दर्शकों को भी बता सकते हैं। आज मैं संजय बनौधा की तस्वीरें आपके सामने रखूंगा। मेरी आज संजय बनौधा से जो बात हुई, उनका मत ये था कि तस्वीरें तो कैमरे और लेंस से ही कंपोज की जानी चाहिए और बाद में उसका बदलाव अच्छा नहीं है। मैंने उनसे ये भी पूछा कि आपकी तस्वीरें भी क्रॉप दिख रही हैं, जिसे मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, मैं उसके बारे में बात कर रहा था। उनका कहना था कि बड़े प्रिंट बनाने के लिए हमने उसे क्रॉप किया था ताकि वो पैनोरामिक व्यू दे सके। अदरवाइज अगर ये कारण ना होता तो मैं क्रॉप जरूर नहीं किया होता। इसलिए उन्होंने उन्हीं फ्रेम को मेरे पास दे दिया है जिसे मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। यानी कि वो भी नहीं मानते कि पिक्चर शूट के बाद उसको और कोई बदलाव कंपोजिशन को लेकर किया जाए। तो चलिए हम देखते हैं संजय बनौधा की तस्वीरें और समझते हैं कि उनकी कंपोजिशन, उनके विषय का चुनाव और उनकी तस्वीरों में कितना दम है, उनके तस्वीरों के रंगों में कितनी ताकत है, भावों में कितना ताकत है। मैं संजय बनौधा, फोटोग्राफी की शुरुआत मैंने 94 से करी और एक सांध दैनिक में कार्य करने के बाद फिर कुछ महीने बाद मैं अमर उजाला ज्वाइन किया और लगातार अमर उजाला में काम करते हुए सन 2020 में अगस्त रिटायर हुआ। उसके बाद अभी भी मैं फ्रीलांस फोटोग्राफी कर रहा हूं और अमर उजाला के लिए भी फोटोग्राफ दे रहा हूं। तस्वीर है अपनी भेड़ चराती एक बालिका की। पिक्चर की कंपोजिशन अच्छी है और बालिका को जिस तरह सेंटर में कंपोज किया गया है उससे पिक्चर अच्छी लग रही है। जहाँ ये कालबेलिया डांस के जो कलाकार हैं उनका एक डिफरेंट सा ही कंपोज किया हुआ पिक्चर है, भाव अच्छा। ये तस्वीर है फ्लड की। कॉलोनियों में पानी जब भर जाता है, बरसात का बाढ़ आती है, तो उनकी लोगों की सहायता के लिए नाव चल रही है गलियों में। ये थिएटर में स्टेज पर जो कार्यक्रम होते हैं उसके कल्चरल प्रोग्राम की तस्वीर है। वर्टिकल फ्रेम में अच्छा कंपोजिशन। ये अपना जीवन यापन के लिए मुख्य मार्ग पर महिला अपना रिक्शा को ठेलते हुए अपने बच्चों के साथ लेके जा रही है। पिक्चर बढ़िया है। ये आग लग गई है और यह व्यक्ति कुछ बचाने के लिए जुगत कर रहा है, अपना कुछ सामान ही बच जाए और नहीं तो। पिक्चर को बहुत ढंग से शूट किया गया है, इसमें खबर का पुट बहुत है। ये तस्वीर है एक नेचर की, जो आसमान में बादल और नीचे जो बिल्डिंग्स होती है, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जो भवन होते हैं, उसको स्काई के साथ कंपोज किया है संजय बनौधा ने। ये तस्वीर देखें, अच्छी है, सनसेट के टाइम की होगी ये अगली तस्वीर। सिल्वट वृक्ष पर अभी पत्ते नहीं दिख रहे हैं, साइकिल वाला आगे आगे पीछे पीछे, ये महिला दिखाई दे रही है लकड़ी लेकर छतरी के साथ। ये भी आसमान में बादलों के बीच जो सनसेट के दौरान या सूर्योदय के दौरान जो इम्पैक्ट बनता है बादलों के ऊपर, जो सनलाइट चमकती है दिखता है, इसको दिखाने का प्रयास
अच्छा प्रयास है बहुत। ये तस्वीर है, मैंने पूछा कि ये पानी हरा क्यों है, तो संजय बनोदा ने बताया कि इलाहाबाद में यमुना का पानी थोड़ा हरापन तो होता है और कभी कभी किसी किसी मौसम में ज्यादा हरा दिखता है। बहरहाल पिक्चर की कंपोजिशन अच्छी है, बढ़िया दिखती है पिक्चर। ये संगम घाट की लग रही है, संगम के आसपास का नजारा है, अगेंस्ट लाइट में बेहतरीन शूट है ये, तो निश्चित रूप से संगम का है। स्काई चूंकि क्लियर हो गया है तो उसका पानी पर उस स्काई का जो जल में जो असर हो रहा है तो ब्लू टोन बहुत स्ट्रांग दिखती है। ये सिल्वेट, लोगों का आवागमन, सनसेट, सनराइज जो भी कहें, ये तो वही बता पाएंगे। ये चार महिलाएं, बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, ये डुबकी लगाती है। ये अगेंस्ट लाइट शॉट और लो लाइट शॉट कहिए इसको, लो लाइट शॉट है। इन्होंने एलिमेंट को ठीक से पिरोया है। ये तस्वीर है जिसकी चर्चा आज मेरी उनसे हो रही थी कि पैनोरामिक व्यू देने के लिए इन्होंने ऊपर नीचे से क्रॉप कर दिया, क्योंकि इसे बहुत बड़े प्रिंट बना के लगा रहे थे। ये कुंभ की एक और तस्वीर, जब उन लोगों का जत्था आता है नागा साधुओं का, कॉलोनी के बीच में सड़कों से जब आता तब की है। ये कुंभ की एक अभी अच्छी तस्वीर है, बढ़िया फ्रेम किया है इन्होंने, भाव अच्छे हैं। अब कई तस्वीरें हैं कुंभ की, अच्छी तो सभी बढ़िया लिया है। अब मैं, मेरे को मजा आता अगर ये क्रॉप न की होती तो जो नीचे का और ऊपर का जो खुला होता ओपन, तब शायद ज़्यादा अच्छा लगता। अब इसी तस्वीर को देखें, पैनोरामिक फील देने के लिए क्रॉप किया गया है। ये तस्वीर तकरीबन ठीक है, मैंने कम से कम पैनोरामिक देने का बनाने का इसमें नहीं सोचा गया है। ये तस्वीर भी फिर उसी तरह की पैनोरामिक दिखे, पैनोरामिक व्यू दिखे, लेकिन अच्छी है तस्वीर। अब मैं यही कल्पना कर रहा हूं कि ये भी तस्वीर अगर पूरी होती तो क्या बुराई है, अच्छा ही लगता। फिर इसकी भी देखें, ये तस्वीर भी अच्छी है, बभूति सी जो लगाए हुए हैं सब साधुगण। और अब हम आखिरी से एक तस्वीर पहले ही देख रहे हैं, अब इसके बाद आखिरी तस्वीर मैं आपके सामने रखता हूं। ये चलते भी जा रहे हैं और चीलम भी फूंक रहे हैं, और चीलम को उन्होंने ऐसी जगह में कंपोज किया है कि पिक्चर ऑटोमेटिकली उसी से, सारी बाकी एलिमेंट उसी से जुड़ गए हैं, और लोगों का ध्यानाकर्षण भी, मैंने लोगों का ध्यान भी उधर चीलम की तरफ है, ललायत से दिखते हैं लोग, तो अच्छी है। दोस्तों ये थी संजय बनोदा की तस्वीरें। अगले सप्ताह किसी और फोटोग्राफर के काम दिखाऊंगा, आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, मित्रों में शेयर जरूर करें, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट बहुत जरूरी है, अगर फोटोग्राफ है तो कमेंट मांगता है। आज बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।